रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत सरकार में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले ने गोरखपुर के सर्किट हाउस में मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के लिए केंद्रीय नेतृत्व से वार्ता कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में योगी सरकार ने बेहतरीन काम किया है। जहाँ उत्तर प्रदेश में अपराध कम हुए हैं, वहीं कोरोना काल के दौरान उत्तर प्रदेश का कुशल प्रबंधन रहा है, जिससे प्रदेश में कोरोना समाप्ति की तरफ बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अगर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से मिलकर चुनाव लड़ेगी तो निश्चित ही दलित भाजपा की तरफ बढ़ेगा और सपा और बसपा को इससे काफी नुकसान होगा। इसके अलावा मंत्री रामदास आठवले ने विभाग की योजनाओं की भी जानकारी दी और कहा कि पार्टी द्वारा 26 सितंबर को पूरे प्रदेश में एक जन जागरूकता यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें दलित समाज के लोगों को जोड़ने का काम किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत सरकार में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले ने कहा, में जो उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहा है, तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बीजेपी के साथ ऑलरेडी एनडीए में है, तो उत्तर प्रदेश के फरवरी में होने वाले चुनाव में आरपीआई को साथ में रखना चाहिए और कुछ सीटें आरपीआई को देनी चाहिए। इसके बारे में हमारे माननीय जेपी नड्डा जी, जो प्रदेश ऑल इंडिया के अध्यक्ष है बीजेपी के, उनके साथ बात हुई है। कल मैंने माननीय अमित शाह जी, जो बीजेपी के सीनियर लीडर भी है, होम मिनिस्टर भी है, उनके साथ मैंने बात किया है कि भाई रिपब्लिकन पार्टी को साथ में रखेगी तो बहुजन समाज पार्टी का भारी नुकसान हो सकता है और उसमें बीजेपी का अच्छा फायदा हो सकता है। दलित वोट जो है ये अच्छी संख्या में आरपीआई की तरफ आ सकता है। तो उन्होंने बोला है कि ठीक बात है, तुम्हारे प्रस्ताव पर जरूर विचार करेंगे। तो मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव में अगर आरपीआई बीजेपी के साथ रहती है तो लोगों का हमें अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। आज जो अभी यहाँ कहा सभा हुई अपनी, महायोगी गंभीरनाथ प्रेक्षागृह जो है वहाँ पूरा हॉल भरा हुआ था और कम से कम 1.5-2 हज़ार से भी ज़्यादा लोगों की उपस्थिति वहाँ थी। तो अभी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने तय किया है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव के संबंध में जन जागृति कराने के लिए और अपना जनाधार बढ़ाने के लिए एक बहुजन कल्याण यात्रा का आयोजन किया है और ये बहुजन कल्याण यात्रा सहारनपुर से शुरू होगी और पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 17 मंडल में जाकर, 18 मंडल में जाकर वो लखनऊ में आएगी और लखनऊ में रमाबाई अंबेडकर मैदान है वहाँ रिपब्लिकन पार्टी की सभा होगी, इसमें 1 लाख से भी ज़्यादा लोग उपस्थित रहेंगे। तो इसी तरह का एक हमारा प्लान अभी है। तो माननीय योगी आदित्यनाथ जिसे भी एक दो महीना पहले मैं जब लखनऊ आया था तब माननीय योगी आदित्यनाथ जी से भी बात हुई है मुख्यमंत्री जी से और उन्होंने भी वादा किया है कि जरूर आपके प्रस्ताव पर विचार करेंगे। तो रिपब्लिकन पार्टी को यूपी में एनडीए में लेना चाहिए, बीजेपी ने अपने साथ लेना चाहिए, इसके लिए हमारी कोशिश है। जिस तरह योगी आदित्यनाथ जी सत्ता में आने के बाद उन्होंने जो गुंडाशाही थी उसको काफ़ी खत्म कर दिया है और डैशिंगली काम करने वाले मुख्यमंत्री के माध्यम से उनका नाम है। कोरोना के कार्यकाल में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत सारे गरीब लोगों को अनाज बांटने का भी काम हुआ, दवा बांटने का भी काम हुआ, रेमडिसिविर देने का भी काम हुआ, उनको एडमिशन देने का भी काम हुआ और बहुत सारी मदद उनके माध्यम से हुई। और आज उत्तर प्रदेश इतना बड़ा स्टेट है लेकिन रोज़ 100-200 से अंदर के साथी है। एक बहुत ही अच्छा काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया है और कोरोना यहाँ वैसे खत्म हो रहा है। तो एक अच्छी बात है कि कोरोना के कार्यकाल में उन्होंने अच्छा काम किया है
जो गरीब लोग है, भूमिहीन लोग है, ऐसे लोगों को जमीन का पट्टा देने का भी काम उनके माध्यम से हुआ है। लेकिन आरपीआई की एक मांग है कि गांव गांव में जो फैमिली लैंडलेस है, जिनके पास बिल्कुल जमीन नहीं है, चाहे वो किसी भी जाति का आदमी हो, उनको 5 एकड़ जमीन देने का एक कार्यक्रम तैयार करना चाहिए। उसके लिए एकाधी मैं एक पत्र योगी जी आदित्यनाथ जी को लिखूंगा और उसमें एक एक्सपर्ट समिति जो है, ये एक्सपर्ट समिति का निर्माण करना चाहिए और उन्होंने गांव गांव में कितने लोग भूमिहीन हैं उसका एक सर्वे जो है, ये सर्वे करना चाहिए। और हर फैमिली को, अगर गांव में 1000 घर है तो उसमें 100-150 फैमिली अगर भूमिहीन होगी तो उनको जमीन कैसी दी जानी चाहिए। तो एक तो मतलब सरकारी जो जमीन है, जो वैकेंट लैंड है, उसका भी बंटवारा किया जा सकता है या दूसरों की जमीन खरीद कर भी गांव के लोगों को दी जा सकती है ताकि उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी से सुधर सकती है। शहर में आने वाले लोगों की संख्या कम हो सकती है, जिस तरह गांव में रोजगार नहीं मिलेगा तो लोग बड़ी संख्या में शहरों में आते हैं, शहरों में स्लम की संख्या बढ़ती जाती है, उनका आरोग्य भी धोखे में आ जाता है। और इसीलिए मतलब गांव के लोग गांव में ही रहे, इसी तरह का एक प्लान जो है ये करना चाहिए। तो एक आरपीआई की मांग है कि भाई हर फैमिली को 5 एकड़ जमीन मिलनी चाहिए। रिपब्लिकन पार्टी का मुख्य मिशन ये है कि समाज जोड़ो, जातिवाद तोड़ो और समाज जोड़ो, ये रिपब्लिकन पार्टी का मिशन है। और बाबा साहब अंबेडकर जी ने राम मनोहर लोहिया जी को एक पत्र लिखा था और उसमें बाबा साहब ने इच्छा व्यक्त की थी कि कांग्रेस के खिलाफ एक ही पार्टी होनी चाहिए, उसका नाम रिपब्लिकन पार्टी हो, ऐसा एक बाबा साहब भूमिका थी। उन्होंने राम मनोहर लोहिया जी को पत्र भी लिखा था लेकिन उसमें वो कोई पॉजिटिव चर्चा हुई नहीं। तो लेकिन बाबा साहब का ध्यान भी 6 दिसंबर 1956 को हुआ तो वो मतलब वो कुछ चर्चा क्लियर हुई नहीं। अभी आज वैसा संभव नहीं, मतलब देश में 2 पार्टी बनना आज संभव नहीं है। लेकिन रिपब्लिकन पार्टी का मुख्य उद्देश्य है कि सभी जाति के धर्म के लोगों को इकट्ठा करना और उनके मन में जो जाति के माध्यम से जो कोई मतभेद है, धर्म के माध्यम से कोई मतभेद है, तो वो उन्होंने फिजिकली अटैक करना या एकदम विरोध करना ऐसा नहीं करना चाहिए। हर एक आदमी को अपना धर्म प्यारा होता है और इसीलिए मुझे लगता है कि हम सब लोग भाईचारा को मजबूत करने की कोशिश करने की आवश्यकता है। और अभी हमारी एक यात्रा निकलने वाली है, माननीय पवन गुप्ता जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये हमारा जो इनके रहने वाले हैं और उनके नेतृत्व में 26 सितंबर को एक सारंगपुर जो जिला है वहाँ से वो यात्रा शुरू हो रही है और उसकी शुरुआत मेरे उपस्थिति में होने वाली है। तो वो यात्रा पूरे 75 जिले में 18 मंडल में जाकर वो लखनऊ में आएगी और 18 दिसंबर को लखनऊ में रमाबाई मैदान में एक बहुत ही बड़ी रैली रखी है। तो वहाँ अगर हमारे 1 लाख से ज़्यादा लोग मौजूद होते हैं तो बीजेपी भी उसके बारे में विचार करेगी कि भाई आरपीआई के साथ जनाधार है। आज बीजेपी को लगता है कि भाई आरपीआई के साथ कोई अठौली महाराष्ट्र की है और बाहर कुछ उनका नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर राज्य में रिपब्लिकन पार्टी काम करती है, यूपी में, उत्तराखंड में काम करती है, पंजाब में काम करती है, सभी राज्यों में रिपब्लिकन पार्टी काम करती है। तो इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो निर्णय हुए हैं उसमें मैं बताना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है ये 2014 में शुरू हुई और 2021 तक कम से कम 43 करोड़ 22 लाख 22,000 इतने लोगों के अकाउंट बैंक में खुले हैं। और उत्तर प्रदेश में 7 करोड़ 24 लाख इतने अकाउंट में खुले हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है, जो 50,000 से लेकर 10 लाख तक लोन मिलता है विदाउट एनी गारंटी, वो लोन में मिलता है। तो उसमें 2015 में योजना शुरू हुई, 2015 से 2021 तक कम से कम 30 करोड़ 92 लाख 80,000 इतने लोगों को लोन मिला है। और उत्तर प्रदेश में कम से कम 2 करोड़ 71 लाख 26,000
कितने लोगों को मतलब ये लोन मिला है। प्रधानमंत्री जो उज्ज्वला योजना है इसमें गैस सिलेंडर फ्री में दी जाते हैं, तो ये इसमें 2016 में योजना शुरू हुई तो 2020 तक कम से कम 8 करोड़ 16 लाख 1600 इतने लोगों को एक गैस कनेक्शन ऑल इंडिया में मिले हैं। और उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 47 लाख 50 हज़ार इतने लोगों को गैस सिलेंडर मिले, इसका फायदा उनको मिला है। दूसरा प्रधानमंत्री आवास योजना एक है जो रूरल की है, तो रूरल में कम से कम 2015 से 21 तक 2 करोड़ 21 लाख 20 हज़ार इतने लोगों ने अपने मकान बनाए हैं ग्रामीण इलाके में। और उत्तर प्रदेश में 23 लाख 14 हज़ार इतने मकान बने हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना जो अर्बन की है उसमें देश भर में 50 लाख 20 हज़ार इतने मकान बने हैं। और उत्तर प्रदेश में 8 लाख 62 हज़ार इतने मकान बने हैं। और दूसरी जो आयुष्मान भारत योजना है जो हर फैमिली को 5 लाख रुपए में मिलते हैं, प्रधानमंत्री ने ये योजना शुरू की 2018 में और अभी तक कम से कम 2 करोड़ 15 लाख इतने लोगों को देश भर में फायदा हुआ है। और उत्तर प्रदेश में कम से कम ऐसे मतलब बहुत सारी योजनाएं जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो योजनाएं अनाउंस की उसका फायदा एक जाति को नहीं हुआ है, एक धर्म के लोगों को नहीं हुआ है। जो कैटेगरी में बैठने वाले हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, लिंगायत हो, जैन हो, कोई भी हो, बुद्धिस्ट हो, सभी लोगों को ये योजनाओं का फायदा हुआ है। तो ये योजना खाली लिमिटेड लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है और सभी लोगों के लिए योजना है। और हमारा मुस्लिम आवाम को भी हमारा आह्वान है कि आपने मतलब बीजेपी का समर्थन करना चाहिए, आरपीआई का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी मुस्लिम के खिलाफ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम के खिलाफ नहीं है। तो इसीलिए और मैं सभी मुसलमानों का आभार व्यक्त करता हूँ कि राम मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट आने के बाद पूरी शांति रही, किसी ने भी मतलब उस पर रिएक्शन दी नहीं। तो एक अच्छी बात हुई कि एक बहुत सालों से जो राम मंदिर के जन्मभूमि का विषय पेंडिंग था, सुप्रीम कोर्ट ने पूरा विचार करके पूरी जमीन मतलब राम मंदिर के लिए देने का निर्णय फैसला लिया। उसके बाद मुस्लिम कम्युनिटी ने पूरी शांति रखी, तो एक अच्छी बात है। तो राम मंदिर भी बना है, दूसरी एक बड़ी मस्जिद जो है ये भी मतलब बाहर अयोध्या में किधर भी बन सकती है, तो उसके लिए भी मतलब सरकार जगह देगी। कोर्ट ने भी जाए फैसले में बोला है कि भाई मस्जिद लिए भी जगह दी जाए, तो एक विवाद हमेशा का खत्म हुआ है, तो एक अच्छी बात हुई है। और यहाँ मुस्लिम मदरसाओं को लिए मदद की जाती है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है बहुत अच्छी बन गई है और वो सब लोगों को साथ देने का काम कर रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ जी के साथ मेरे बहुत गहरे संबंध है। जब 1998 में जब पहली बार वो गोरखपुर से चुनकर आए थे लोकसभा में, तब मैं मुंबई से लोकसभा में पहली बार चुनकर आया था। मैं 3 बार लोकसभा में रहा, मैं 2 बार मैं राज्यसभा में हूँ, 1 बार मैं शिरडी से 2009 में मैं हारा था और 5 साल में एमपी तो नहीं था, लेकिन उसके बाद बीजेपी के अलायंस में एनडीए में आने के बाद मुझे राज्यसभा में मिली और 2 बार मुझे राज्यसभा में मिली है। तो मुझे मेरे पार्टी को वहाँ मंत्री पद का जो जिम्मेदारी है माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दी है। मेरे पार्टी का वैसा है कि एमपी तो नहीं है, मैं खाली अकेला हूँ, उसके बावजूद भी मुझे मतलब माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मंत्री पद पर रखा है। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट मुझे दे दिया है और मेरा मंत्रालय जो है मंत्रालय बहुत ही कम से कम 80-85% लोगों को मतलब बिलोंग करता है, क्योंकि मेरे मंत्रालय में शेड्यूल कास्ट आते हैं, PGNT आते हैं, OBC आते हैं, ओल्ड एज के लोग आते हैं, दिव्यांग लोग आते हैं, अनाथ लोग आते हैं, वैसे लोगों का मेरा मंत्रालय है। तो मेरे मंत्रालय में बहुत सारा परसेंटेज हमारे सभी समाज का हमारे मंत्रालय में आता है। इंटरकास्ट मैरिज के लिए मेरा मंत्रालय 2.5 लाख रुपये देता है,
और हर साल में कम से कम 1 लाख 1.25 लाख तक इंटरकास्ट मैरिज होते हैं। तो इसीलिए जातिवाद खत्म करने के लिए इंटरकास्ट मैरिज की आवश्यकता है, ऐसा मेरी पार्टी का भी कहना है। दूसरा, अभी जो जनगणना होने वाली है इसी आधार पर हो जाता है तो सब लोगों का जो परसेंटेज है तो मालूम हो जाएगा, ब्राह्मण कितने, क्षत्रिय कितने, दलित और आदिवासी का तो ऑलरेडी संसद जाति के आधार पर होता ही है, लेकिन ओबीसी का और जनरल का होता नहीं है। तो सभी जातियों का जो सर्वे है या सेंसस है ये जाति के आधार पर होना चाहिए, ऐसा हमारा कहना है। और अभी हमारे मंत्रालय ने, हमारी सरकार ने निर्णय ले लिया है कि राज्य में बैकवर्ड किसको समझना है, ये अधिकार आर्टिकल 362(a)(3) के माध्यम से हमारे मंत्रालय ने राज्यों को अधिकार दे दिया है। जब महाराष्ट्र में मराठा समाज के मांग का जब सुप्रीम कोर्ट में केस था तब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि भाई ये राज्यों का अधिकार नहीं है, इसीलिए हमने पार्लियामेंट में, मोदी सरकार ने पार्लियामेंट में अमेंडमेंट करके राज्यों को अधिकार दे दिया है। तो किसको बैकवर्ड समझकर आरक्षण देना है वो राज्यों के हाथ में है, तो इसीलिए एक निर्णय हमारे मंत्रालय का अच्छा हुआ है। इसी तरह हम आगे बढ़ रहे हैं, वैसे मेरी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया देश के सभी राज्यों में है, आने वाले 5 राज्यों के चुनाव में हर राज्य में, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, पंजाब हो, मणिपुर हो, गोवा हो, 5 राज्यों में रिपब्लिकन पार्टी की यूनिट है और 5 राज्यों में RPI BJP के साथ रहने के लिए हमारी कोशिश जारी है और हम हमारी कोशिश आगे इसी तरह की है। अभी सीटें मांगी, अभी हमारा अगर रैली अगर अच्छी हो जाती है, अगर रैली में अगर गुड़ी सिंह अच्छी दिखाई देती है तो एक 10-12 सीटें तो RPI को मिलनी चाहिए। इसी तरह की हमारी कोशिश है, जहाँ मुस्लिम बहुल एरिया है, जहाँ दलित बहुल एरिया है, ऐसे जगह पर की अगर सीटें मिलती है तो अच्छा उपयोग हो सकता है और इसके लिए BJP सीरियस विचार करे, ऐसा हमारा का कहना है। पार्टी का बंटवारा नहीं, मतलब जहाँ RPI को अच्छा, मतलब उनको जहाँ BJP को भी नुकसान ना हो और RPI का भी फायदा हो, इसीलिए ठीक बात है। ऐसे नहीं, नुकसान तो नहीं, क्योंकि आज मुस्लिम इतना BJP के खिलाफ नहीं है। जो एक जमाना था जब कांग्रेस पार्टी हमेशा दलित और मुसलमानों को भड़काती थी और दलित और मुसलमान ये पूरे कांग्रेस वोट करते थे, लेकिन अभी वो जमाना तो चला गया है। अभी कांग्रेस एकदम जीरो तक, जीरो नहीं लेकिन कांग्रेस एकदम डाउन हो चुकी है। जब समाजवादी पार्टी और मायावती जब एक साथ आई तो OBC वोट और मुस्लिम वोट मुलायम सिंह के माध्यम से उनको मिला, दलित वोट मायावती कांशीराम के माध्यम से उनको मिला। तो यहाँ जो सरकार थी, ये सरकार कांग्रेस की सरकार चली गई थी, कांग्रेस की थी कि किसी थी, लेकिन तो हमारा कहना है कि हम सभी, क्योंकि हमारे पार्टी में सभी जाति के लोग हैं, तो कहाँ कहाँ सीट मिल सकती है। तो मैंने तो बोला कि भाई दलित और मुस्लिम बहुल एरिया में भी देने का विचार होगा, लेकिन जहाँ जहाँ हमारा कैंडिडेट दूसरे जाति का क्षत्रिय के कैंडिडेट है उनको भी मतलब टिकट देने का विचार हम करेंगे। दूसरे हमारे जो अपने बबनिया समाज के लोग हैं वो भी बड़ी संख्या में हमारे साथ आ रहे हैं, अपने ब्राह्मण समाज के भी लोग हमारे पास आ रहे हैं। तो इसी तरह जो जो सीट पर जब चर्चा होगी तब हम दूसरी भी जगह लेने की कोशिश करेंगे। तो किसान आंदोलन का, किसानों के बारे में माननीय नरेंद्र मोदी जी और हम सब लोगों को बहुत बड़ी सिंपैथी है। किसान नहीं होते थे तो हमारा जीना मुश्किल होगा, क्योंकि वो खेत में काम करते हैं, अनाज पैदा करते हैं, इसीलिए हम लोग हैं। तो माननीय मोदी सरकार ने 3 कानून इसलिए बनाए थे कि किसानों का फायदा हो, उनका जो मतलब माल है वो जहाँ जिस मंडी में ज़्यादा पैसा मिलता है वहाँ वो माल बेचने का उनको अधिकार देने वाला ये कानून है। जिस किसान ने माननीय नरेंद्र मोदी जी को सत्ता पर दूसरी बार बिठाया है वो नरेंद्र मोदी जी किसानों के खिलाफ क्यों आंदोलन, मतलब क्यों कानून लाएगी, मतलब वो किसानों के फायदे के लिए लाया था, लेकिन कुछ लोगों ने गलत फहमी करके पंजाब के किसान, हरियाणा के कुछ किसान, UP के बॉर्डर के उस किसान और राजस्थान के बॉर्डर के जो किसान है वो छोड़ दिया, तो देश भर में किसान विरोध नहीं कर रहे हैं। तो इस कानून के बारे में सरकार का कहना ये है कि भाई आप इसमें क्या बदल करना चाहिए वो बताओ, जो MSP है उसको धक्का ना नहीं है,
जो तुम्हारा कृषि उत्पन्न बाजार समिति जो गांव गांव में या तालुका में होती है उसको धक्का न नहीं है, उसमें क्या बदल करना है बताइए। सरकार को लगता है कि भाई अगर कानून पीछे लेने की मांग अगर उनकी है तो एक बार कानून पीछे ले लेगा तो हर कानून के लिए ऐसा ही लोग आकर बैठेंगे और बोले ये कानून पीछे ले लो तो पार्लियामेंट को कोई अधिकार नहीं रहेगा। तो हर एक को विरोध करने का भी अधिकार है, पार्लियामेंट में भी विरोध होता है, मेजोरिटी से बिल पास होता है तो उसका कानून बनता है। तो इस किसान कानून के बारे में हमारा कहना है कि भाई क्या बदल जाए वो बताओ। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पर पाबंदी लगाई है, मतलब कानून का अमल मत करो, तो आंदोलन खत्म करने की आवश्यकता थी। वहाँ टूरिज्म करने से क्या फायदा है, उधर आंदोलन आपका है लेकिन आंदोलन इतने साल होता नहीं, हमने भी आंदोलन किया है। और अगर हमने पुलिस का तो सुना नहीं, तो पुलिस ने हमारे ऊपर लाठीचार्ज करके हमको भगाया है, लेकिन मोदी सरकार ने ऐसा तो नहीं किया। मोदी सरकार ने उनको दिल्ली में आने का मौका दिया, बैठने का मौका दिया, 11 बार नरेंद्र सिंह तोमर जी से बातचीत हुई और उसमें हर इसमें उनका कहना ये था कि कानून के पीछे ले लो। तो सरकार का कहना है कि भाई ये लोकतंत्र के लिए धोखा पैदा हो सकता है और इसीलिए कानून पीछे लेने के बजाय क्या बदल करना है वो बताओ, क्या तकलीफ आपको है वो बताओ, लेकिन वो बताने के लिए तैयार नहीं है। वो बोलते हैं कि भाई कानून पीछे ले लो, तो इसीलिए मुझे लगता है कि भाई कानून पीछे लेने के बजाय हमारा कहना है तुम पीछे जाइए अभी, और इतने दिन किसानों को तकलीफ देना अच्छी बात नहीं है, इसीलिए कानून पीछे लेना इतना आसान नहीं है। अगर कानून पीछे लेना नहीं आसान तो क्यों वहाँ बैठे हैं किसान इतने दिन तक। इसीलिए हमारा कहना है कि भाई आप आंदोलन खत्म करिए और आपको क्या करना है प्रचार हमारे खिलाफ करिए, हम भी उसका उत्तर दे देंगे। हाँ, तो उसमें किसानों को मनाया गया, अभी सभी किसान यूपी के बीजेपी के विरोध में ऐसा बिल्कुल नहीं है, कुछ किसान विरोध में है। हम ऐसा नहीं बोलते कि 100% किसान बीजेपी को वोटिंग करेंगे, लेकिन टिकट वगैरह हमारे खिलाफ प्रचार में करेंगे उसका बहुत कुछ फायदा होगा नहीं। यहाँ माननीय अखिलेश यादव बोल रहे कि भाई 403 में से मेरी 400 सीट आई, ये तो मतलब अगर 400 सीट इतनी कैसी आ सकती है, मतलब ऐसा मुझे एक बार सुनने पड़ा दिया। हाँ, तो उन्होंने मतलब ये 40 सीटें आएगी लेकिन उसमें उन्होंने 0 पकड़ाया और 40 का 400 किया, तो ठीक बात है, उनको अधिकार है। अगर 400 मिलती है तो हम उनका आभार व्यक्त करेंगे। इधर वेस्ट बंगाल में भी मतलब बीजेपी को 3 सीटों में से 77 सीटें मिली और बीजेपी को वहाँ सत्ता न मिलने का कारण ये था कि वहाँ पूरा वोट ममता को गया, वहाँ जो कम्युनिस्ट पार्टी को और कांग्रेस को जो वोट मुझे जाना था वो वोट गया नहीं और उसके कारण वहाँ बीजेपी की हार हुई है, वरना बीजेपी को 170-180 सीटें मिलती थी। तो इस तरह दिल्ली में भी हुआ कि केजरीवाल और बीजेपी को पूरा वोट केजरीवाल को चला गया, कांग्रेस को वोट बिल्कुल नहीं गया, इसलिए केजरीवाल को इतनी बड़ी सफलता मिली। तो आपका सवाल जो है कि किसान उत्तर प्रदेश के किसान बीजेपी के साथ रहेगी, 80% किसान बीजेपी के साथ रहेगी, 20% किसान हमारा विरोध करेगी। अगर साथ में लड़ते तो उनका स्वागत है, क्योंकि कौन सी पार्टी ने किसके साथ अलायंस करना है वो तो हर एक का अधिकार है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ओबीसी और आम आदमी पार्टी एक साथ आएगी। और आम आदमी पार्टी दिल्ली में है, दिल्ली में उनकी ताकत है, अभी पंजाब में भी कुछ उनकी ताकत है, लेकिन बाकी के राज्यों में कोई आम आदमी पार्टी का विशेष कोई का नहीं है। और ओबीसी जो है ओबीसी वोट मतलब लेते हैं, उनके कोई लोग विशेष उन पर आते नहीं है, लेकिन मुस्लिम बहुल एरिया में उनको वोट अच्छे मिलते हैं लेकिन चुनकर कैंडिडेट आते नहीं है। तो वो तो 100 सीट लड़ रहे, मेरा कहना है कि तो 200 सीट लड़े, मतलब इतना तो कम सीट लड़ने से फायदा नहीं है। तो ओबीसी 200 सीट भी लड़ेंगे तो उनका हमारा तो स्वागत है। लाखों एकड़ ज़मीनें मिली थी और उसका बंटवारा गरीब लोगों को हुआ था, तो ऐसा भी अभी कुछ लोग जमीन ऐसी हमारे पास 100 एकड़ है तो 5 एकड़ ऐसे के लिए दे सकते हैं, ऐसा भी अगर हो जाता है तो भी कुछ लोगों को ज़मीन मिल सकती है, या फिर ऐसा होता नहीं है तो सरकार ने खरीद कर ज़मीन देनी चाहिए अपने बजट में। मतलब अगर गरीबी को हटाना है तो हमारा सूचना है, मांग है कि ऐसा होना चाहिए।
एकदम होगा ऐसा नहीं है, लेकिन अगर कोशिश की जाती है तो हो सकता है। ये गांव में जिस तरह जमीन अभी चार चार पाँच पाँच हज़ार एकड़ दस दस हज़ार एकड़ होती है, और उस गांव में हज़ार 500 मकान होते हैं, तो इसीलिए कोई सर्वे करके ऐसा हो सकता है। मतलब हाँ, तो मतलब कश्मीर में जो आतंकवाद है ही, मतलब वहाँ लोगों पर अटैक करना, पुलिस पर अटैक करना, आर्मी पर अटैक करना, बीएसएफ पर अटैक करना, ये तो मामले चल ही रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 370 आर्टिकल हटाने के बाद जो आतंकवादी जो थे उसको सबसे ज़्यादा आतंकवादी मारने का काम यहाँ के हमारे पुलिस ने या बीएसएफ में किया है। तो लेकिन बीच बीच में अटैक हो रहे हैं। अभी हम सभी आतंकवादियों को अपील करती है कि आप सरेंडर हो जाओ और आपको एम्प्लॉयमेंट देने का काम जरूर सरकार करेगी। अभी 370 कलम हटाने के बाद जरूर सरकार की कोशिश है कि जम्मू कश्मीर का विकास हो, उसके लिए सरकार काम कर रही है और ऐसे अटैक नहीं होना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। आपको हाँ ठीक है, तो जो लोग हैं जो केस में जब इन्वेस्टिगेशन होता है तो जिनके नाम आते हैं वो उनको पुलिस पकड़ दिए है। ऐसे लिंक वाले जो लोग आतंकवादी एक्टिविटीज़ के साथ लिंक रखने वाले जो लोग हैं एक न एक दिन पकड़े चले जाते हैं, इसीलिए उनको भी पकड़ा है, उनको सजा होगी।